Hi, my dear kids. How are you all? Hope you all are good. सब अच्छे हैं? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? We are going to start a new lesson of our book that is Literary Journeys, an English Reader for Class 3 by Brainroot Publication. और आज हम इस बुक का लेसन नंबर 7 करेंगे. Children, we will read the story of a hen who laid golden eggs. एक ऐसी मुर्गी जो सोने के अंडे देती थी. ठीक है, आइए इस मैजिकल हेन के बारे में और जानते हैं. इन दिस स्टोरी देयर वॉज एन ओल्ड कपल. कपल मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ. दे वर पुअर एंड हंग्री. वन डे दे रिसीव्ड अ मैजिकल हेन फ्रॉम अ काइंड स्ट्रेंजर. द हेन लेज गोल्डन एग्स डेली and they became wealthy, but their greed led them to lose everything. Now, the story is about a couple. एक couple के पास वो कुछ नहीं था. वो बहुत गरीब थे, बहुत परेशान थे, उन्हें खाने पीने की समस्या थी, उन्हें खाना नहीं मिलता था. किसी दयालु इंसान ने उनको एक magical hen gift किया. ये जो hen है या ये जो मुर्गी है, ये सोने के अंडे देती थी. लेकिन ये जो कपल था, ये धीरे 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 लालची बन गया और लालच की वजह से इन्होंने अपना नुकसान कर लिया. क्या हुआ वो हम कहानी पढ़ के जानेंगे. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. वंस एन ओल्ड कपल लिव्ड इन अ विलेज. एक कपल जो है एक गांव में रहते थे. वो बहुत गरीब थे. कैन यू सी दिस? दे वर वेरी पुअर. ऑलराइट. They were so poor that they could not get even 2 meals a day. वो इतने गरीब थे कि उन्हें दो वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता था और हमेशा उन्हें भूखा ही रहना पड़ता था. They had only a few loaves of bread in the house. Just then a stranger, an old man with a long grey beard, came to their house. उनके घर में थोड़े से ही ब्रेड के टुकड़े पड़े हुए थे और ठीक उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति उनके घर में आया. दिस ओल्ड मैन, कैन यू सी ही हैज अ लॉन्ग बियर्ड. उसकी बहुत सारी दाढ़ी है. ठीक है. द ओल्ड मैन वॉज वेरी हंग्री. उसे बहुत भूख लगी थी. द कपल गेव देयर लोव्स ऑफ ब्रेड टू हिम. दैट नाइट दे वेंट टू बेड विदाउट ईटिंग एनीथिंग. अब क्या हुआ, उस बूढ़े आदमी की स्थिति देख के इस कपल को दया आ गई और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उन्हें जो है अपना खाना दे दिया और उस रात वो बिना खाए भूखे ही सो गए. नेक्स्ट मॉर्निंग द ओल्ड बेगर केम अगेन एंड गेव अ वाइट हेन टू द ओल्ड कपल. अगले दिन सुबह ये जो भिखारी था, ये जो ओल्ड मैन थे, ये वापस आए और इन्होंने उस कपल को एक वाइट कलर का सुंदर सा हेन दिया, एक अच्छी सी मुर्गी दी. This is a magical hen. If you take care of her, she will take care of you, he said. And with these words, he disappeared. उन्होंने कहा, ये एक magical hen है. अगर आप इसका ध्यान रखोगे, तो ये भी आपका ध्यान रखेगी. और ऐसा कह के वो वहाँ से गायब हो गए. The old man and his wife were very happy. वो तो बहुत खुश हो गए. उनके पास मुर्गी नहीं थी. Now we will not have to go hungry. उन्हें लगा कि मुर्गी अंडे देगी और उन अंडों को बेच के वो लोग जो है शहर में पैसे कमा सकते हैं. उन्हें लगा कि अब उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा. The hen will at least give one egg every day. कम से कम एक अंडा तो वो रोज देगी. They said to each other. When the old man went to find out if the hen had laid an egg, he found that the hen was sitting over a golden egg. अब अगले दिन जब उस बूढ़े व्यक्ति ने चेक करने की कोशिश की कि क्या मुर्गी ने अंडा दिया है, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि वो मुर्गी एक सोने के अंडे के ऊपर बैठी हुई है. वो तो चौंक गए, हैरान हो गए. इमेजिन हिज सरप्राइज. ही सोल्ड द एग टू अ ज्वेलर एंड रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मनी फॉर इट. उन्होंने जल्दी से उस अंडे को उठाया और उस सोने के अंडे को वो एक जौहरी के पास, यानी ज्वेलर के पास लेके चले गए. उस ज्वेलर ने उन्हें उस अंडे के बहुत सारे पैसे दिए और वो उससे जो है खाना लेके चले आए. पहली बार उन्होंने अच्छा और काफी ज्यादा
खाना खाया। द नेक्स्ट डे देयर वॉज अनदर गोल्डन एग। अगले दिन फिर वही हुआ, फिर से मुर्गी ने एक और सोने का अंडा दिया। द कपल वॉज वेरी हैप्पी। एवरी डे द हेन लेड अ गोल्डन एग एंड दे बिकेम रिच। अब ये जो मुर्गी है ये रोज एक एक सोने का अंडा देती, रोज ये कपल जो है वो अंडा लेके दुकान पे जाते, बेचते, पैसे लाते। इस तरह से धीरे धीरे ये गरीब से क्या हो गए, अमीर हो गए। दे हैड अ न्यू हाउस, न्यू क्लोथ्स एंड रिच फूड एवरी डे। अब वो गरीबी में नहीं जीते थे, अब उन्होंने एक अच्छा सा बड़ा सा घर बनाया, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे और अच्छा अच्छा खाना खाने लगे। उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई, कम्प्लीटली बदल गई। वन डे द मैन थॉट द हेन मस्ट हैव अ लॉट ऑफ गोल्ड इन हर स्टमक। अब उन्होंने सोचा कि इस ये मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है, इसका मतलब इसके पेट के अंदर बहुत सारा सोना होगा, क्यों ना हम जल्दी से जल्दी अमीर बन जाए। धीरे धीरे अमीर बनने से अच्छा है, एक साथ सोना अगर हमें मिल जाए तो हम एक ही दिन में बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और हमें अपने फ्यूचर के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला आई विल हैव ऑल द गोल्ड एंड गेट रिच क्विकली। अगर मैंने इस मुर्गी के पेट को काटा तो इसकी मुर्गी के पेट से सारा गोल्ड मैं एक ही बारी में निकाल लूंगा, जितना भी सोना है वो सब निकाल लूंगा और एक ही दिन में बहुत अमीर बन जाऊंगा। हिज वाइफ ऑल्सो एग्रीड विद हिम। उसकी जो वाइफ थी उन्होंने भी हाँ में हाँ मिला ली, उन्होंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एक साथ अमीर हो जाते हैं, ये रोज रोज एक एक अंडा ले जाकर बेचना मुझे ठीक नहीं लगता। द ओल्ड मैन कट ओपन द हेन स्टमक। कैन यू सी सेम थिंग हैपेंड, उन्होंने मुर्गी के पेट को काट दिया। बट अलास दे फाउंड नो गोल्ड इन इट। लेकिन अब उनके पास, उन्होंने जब पेट काट के देखा उसमें कोई भी गोल्ड नहीं था। दे वर बोथ शॉक्ड, वो तो चौंक गए। Now they realized that a foolish thing they had done. अब उन्हें लगा कि वो कितने बड़े मूर्ख हैं, उन्होंने कितना बड़ा मूर्खता का काम किया है, बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम किया है। Oh God, we have lost the hen as well as the golden eggs due to our greediness. अब उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया और बैठ गए और रोने लगे, वो अफसोस करने लगे कि हमने अपनी बेवकूफ़ी और मूर्खता की वजह से मुर्गी को भी खो दिया और मुर्गी जो सोने के अंडे देती है उसे भी कम्प्लीटली खो दिया। इट वॉज टू लेट नाउ, ग्रीड मेड देम लूज इवन वॉट दे हैड। अब तो बहुत देर हो चुकी थी, लालच, इसीलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है, लालच के चलते उनके पास जो था उन्होंने वो भी खो दिया। ऑलराइट चिल्ड्रन, Now let's proceed towards the glossary section where we will learn about the different word meanings. जो नए नए शब्द हमने इस चैप्टर में देखे हम उनको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। Couple means husband and wife. Grey beard means white color की जो दाढ़ी होती है। Delicious means something which is very very tasty. Disappeared means vanish यानी गायब हो जाना। Realized means समझना, अंडरस्टूड। ग्रीडी मीन्स लालच, ज़्यादा से ज़्यादा पाने की इच्छा, वॉन्टिंग मोर एंड मोर। मैजिकल मीन्स मार्वेलस या फुल ऑफ मैजिक यानी जादुई चीज़। स्ट्रेंजर मीन्स जिसको आप नहीं जानते, समबडी हु इज़ नॉट नोन टू यू। एंड ज्वेलर अ पर्सन हु मेक्स ज्वेलरी फ्रॉम प्रेशियस स्टोन्स यानी कि कोई ऐसा जो कीमती पत्थरों या मेटल्स को यूज करके ज्वेलरी बनाता है, गहने बनाता है। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज। आर यू रेडी किड्स? आई होप दैट यू ऑल आर रेडी। स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई है, अब हम एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड कपल लिव्ड इन अ सिटी विलेज बिग टाउन स्मॉल टाउन। They lived in a village. वो एक गांव में रहते थे, ठीक है? Let's move further. आगे चलते हैं next question पर. One day they had in their house only two eggs to eat,
few loaves of bread, only boiled potatoes, only soup to drink. एक दिन उनके पास खाने के लिए सिर्फ क्या था? Few loaves of bread. Okay? Third, the stranger who came to their house was an old man with a grey long beard, a holy man with a jug, a beggar asking for alms, needy asking for help. So an old man with a long grey beard. Okay? Fourth one, the stranger gave dash to the old couple. उस stranger ने क्या दिया अगले दिन आकर? A gold box, silver coins, magical hen, magical lamp, magical hen. Okay? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. Let's move further. Now it's time to do the fill in the blanks. And for doing the fill in the blanks, we have the help box. Help box में words दिए हुए हैं और हमें इन words को use करके इन sentences को complete करना है. तो चलिए शुरू करते हैं. The old couple was very dash and golden egg greed. Hen rich poor. So the old couple was poor. Okay, वो बहुत ज्यादा गरीब थे. They were very poor. The old beggar gave a wide dash to the old couple. भिखारी ने उनको क्या दिया था? Hen. So white hen. एक सफेद मुर्गी. Third, the hen laid dash egg every day. The hen laid an golden egg. An golden egg. Every day. Okay. Fourth, the old couple wanted to be rich. वो लोग क्या करना चाहते थे? जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते थे. So, the old couple wanted to be rich in one day. एक ही दिन में अमीर हो जाना चाहते थे. Dash made them lose even what they have. लालच की वजह से जो उनके पास था वो भी खो गया. So, here we will write greed. Okay, greed का मतलब होता है लालच. All right, children. Now let's come to the next exercise. Write T for true and F for false in the following statements. A magician gave a magic box to the old couple. This is true or false? This is false. Second, the old couple, though poor, were kind to stranger who came to their house. बिल्कुल. वो लोग गरीब थे लेकिन उन्होंने stranger का ध्यान रखा, उन्हें अपना खाना दे दिया. सो दे वर काइंड. ट्रू. थर्ड, द हेन लेड 5 गोल्डन एग्स एवरी डे. नो, दिस इज रॉन्ग. 5 नहीं, ओनली 1 गोल्डन एग एवरी डे. सो दिस इज रॉन्ग. सो दिस इज फॉल्स. ये गलत है. फोर्थ, द ओल्ड कपल बिकेम ग्रीडी एंड लॉस द मैजिकल हेन. यस, दिस इज ट्रू. उन्होंने लालच की वजह से उस हेन को कट कर दिया, उस हेन के पेट को कट करा कि गोल्ड निकाल सके और वो हेन मर गई. तो इसीलिए लालच के चलते उन्होंने सोने देने वाली मुर्गी से हाथ धो लिया. फिफ्थ, दे रियलाइज्ड व्हाट अ क्लेवर थिंग दे हैड डन. क्लेवर थिंग था? नहीं, ये तो बेवकूफी थी ना, फुलिश थिंग. सो दिस इज फॉल्स. ओके, आई होप दैट यू हैव नोटेड डाउन ऑल द थिंग्स. ऑल आंसर्स हैव बीन डन इन योर बुक. Now let's move to further exercise. आगे देखते हैं. We have question answers is, you will do them on your own. But before that, let us discuss them quickly one by one. Who was greedy? The old couple was greedy. Which kind of egg did the hen lay every day? The hen laid golden eggs every day. Whom did the couple get the hen from? An old beggar gave the magical hen to the couple. What did the man thought to do with the hen that lay golden eggs? The man thought of getting rich in one day, so he thought to cut the stomach of the hen and take out all the gold from his stomach. Fifth, when did the man realize his mistake? When the man saw that there was no gold in the stomach of the hen, he realized his mistake. He made the mind that he has done something very, very foolish. All right. So with this, children, we are done with the exercises. I hope that you have understood each and every exercise clearly. आपने सारी exercises अच्छे से कर ली होंगी और अब आप question answers भी अपने notebooks में कर सकते हैं. So with this, we come to an end to today's session. I will meet you again soon
with a new chapter, a new topic where we will learn something new. So till then, bye bye and take care.